बड़ी खबर है, यूक्रेनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का रूसी सेना पर अटैक। MI-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की सेना ने हमला किया है, रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया MI-8 से यूक्रेन की सेना ने। ये देखिए कैसे यूक्रेन का MI-8 हेलीकॉप्टर रूस के ठिकानों को तबाह करता हुआ, मिसाइल अटैक करता हुआ। तो ये तस्वीरें यूक्रेन के MI-8 हेलीकॉप्टर की हैं, जहां आप देख सकते हैं कैसे इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने हमला किया मिसाइल से और रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और बैलग्राउंड से आ रही इस वक्त की एक और बड़ी खबर की बात कर लेंगे। रूस पर अमेरिका यूरोप का डबल स्टैंड फिर से बेनकाब हो गया है। अमेरिका ने खुद भारत से ज्यादा रूसी ईंधन खरीदा है। यूरोपियन यूनियन देशों ने कुल रूसी सप्लाई का 71% ईंधन खरीदा। युद्ध के 60 दिनों का ईंधन खरीद पर हैरान कर देने वाला ये डेटा सामने आया है। रूसी ईंधन की सप्लाई पर प्रतिबंधों का असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध के 60 दिनों में अभी तक क्या हुआ है, कितना यहां पर रूस से किसने कितना ईंधन खरीदा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भारत या दूसरे देश रूस से एनर्जी बाइंग ना करें, उसे ना खरीदें, जबकि पश्चिमी देश और खुद अमेरिका ने भारत से कहीं ज्यादा ईंधन रूस से खरीदा है इस युद्ध के शुरू होने के बाद। देखिए यूक्रेन के 60 दिनों का डेटा, रूस से किसने कितना ईंधन खरीदा ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सबसे ऊपर इस लिस्ट में जर्मनी है। 20 देशों का जो डेटा आया है उसमें जर्मनी ने अभी तक सबसे ज्यादा 9100 मिलियन यूरो का एनर्जी, आप कह सकते हैं इसमें गैस शामिल है, इसमें फ्यूल क्रूड ऑयल शामिल है, ये जर्मनी ने रूस से खरीदा है। उसके बाद इटली का नंबर आता है करीब 7000 मिलियन यूरोस का। टर्की की बात करें तो 4000 मिलियन यूरो से ज्यादा टर्की ने ये बाइंग की है। उसके बाद फ्रांस आता है, फ्रांस ने 3800 मिलियन यूरो का कच्चा तेल और गैस खरीदा है रूस से। जापान 1200 मिलियन यूरो से ज्यादा, अमेरिका 1000 मिलियन यूरो से ज्यादा इसने इस युद्ध के शुरू होने के बाद खरीदा है। ये कौन कह रहा है, ये देखिए, ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट है। जबकि भारत को तमाम नसीहतें देने वाला, भारत के ऊपर दबाव बनाने वाला अमेरिका 1000 मिलियन यूरो का सौदा करता है रूस से कच्चे तेल का और गैस का, जबकि भारत ने उससे कहीं कम 800 मिलियन यूरो का ही कच्चा तेल और गैस खरीदा। जबकि भारत ने इस युद्ध में ऐसा कोई स्टैंड किसी से के साथ नहीं लिया, और जबकि भारत के साथ रूस ने एक आकर्षक ऑफर भी भारत को दिया था और बड़े कम दाम में रूस की तरफ से भारत को कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया गया था, उसके बावजूद भारत ने अमेरिका से कम तेल और कम गैस खरीदी है। यह है सच्चाई इन पश्चिमी देशों की। लेकिन इस बीच इन आंकड़ों ने अमेरिका यूरोप को लेकर दुनिया के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह भी याद दिलाया है कि 2+2 मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका को नसीहत कितनी सटीक थी। आपको याद होगा जयशंकर ने क्या कहा था, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं, जिसे सुनकर अमेरिकी मंत्री और अमेरिका की मीडिया सब भौचक्के रह गए थे। इफ यू आर लुकिंग एट एनर्जी परचेसेस फ्रॉम रशिया, आई वुड सजेस्ट दैट योर अटेंशन शुड बी फोकस्ड ऑन यूरोप, व्हिच प्रोबेबली we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और यूरोप के डबल स्टैंड ने दुनिया के सामने कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल, क्या अमेरिका की रूसी आयात को रोकने की अपील एक ड्रामा है? ये सवाल कुछ लेकर आते हैं आपके सामने। अगर अमेरिका दुनिया को कह रहा है उस रास्ते पर चलने के लिए, तो सबसे पहले खुद उस रास्ते पर चलकर दिखाए जो अमेरिका दुनिया से अपील करता है, जिस रास्ते पर चलने की। रूस से अगर अमेरिका की दावत है तो रूस क्यों इतना अमेरिका रूस से क्यों इतना कच्चा तेल और गैस खरीद रहा है किसी भी कीमत पर? अमेरिका क्या सिर्फ अपने हित साध रहा है? यूक्रेन पर बयानबाजी और सिर्फ बयानबाजी, ये क्या दिखावा है अमेरिका का? रूसी ईंधन को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है अमेरिका?
यूक्रेन वॉर के पीछे अमेरिका और यूरोप की क्या कोई सोची समझी रणनीति है? क्या अमेरिका यूरोप को यूक्रेन की बर्बादी से मतलब नहीं है, जो कि दिख रहा है? 66वां दिन है आज, और क्या मदद की अमेरिका ने सिवाय बयानबाजी और सैंक्शन के? पश्चिम की लड़ाई पूरी तरह से व्यापार और वर्चस्व की है, और इसीलिए रूस को क्या यहां पर पश्चिमी देश निशाना बना रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।